एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इजी सी रेसिपी जिसे आप लंच या डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं। साथ ही में जब भी हमारे घर कभी सब्जियाँ ना हो या हम कम समय में कुछ टेस्टी बना के खाना चाहते हों तो इस रेसिपी को आपको डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ में इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम हमने मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने यहाँ पर लिए हैं 4 प्याज जिसे हमने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, उसे भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे जिससे प्याज हैं जो थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, तो इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। चलिए 1 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो प्याज यहाँ पर हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टमाटर जिसे हमने मिक्सी में बारीक पीस लिया है, तो इसे इसमें डाल देते हैं। और 1 हमने बारीक टमाटर कट कर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इसे भी हम ढककर पकाएंगे जिससे जो टमाटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट हो गए हैं तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायची और 3 से 4 लौंग। मैंने इसे स्टार्टिंग में जब हमने तेल गरम किया था उस टाइम पे डालना भूल गई थी, आप उसी टाइम पे इसे डालें। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर तक लगातार चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं क्रश करके कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। सब्जी को थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पर अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें मलाई डाल दें, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है। हमने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। पानी डालने के बाद सब्जी को हमने यहाँ पर 30 सेकेंड तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है और सब्जी यहाँ पर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है, इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी पराठे के साथ खाएं और कभी आप इसे चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें, थोड़ा सा इसे लिक्विड बना लें। इसे हमने सर्व कर लिया है एक प्लेट में और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है। बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में और खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी लगती है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और इस रेसिपी को आपने ट्राई किए हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इजी रेसिपी और होम रिलेटेड कंटेंट के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।